हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विनीता वर्मा ब्लॉग। और गाइज सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो। और गाइज आज है पहला नवरात्र माता रानी का, यह है चैत्र के नवरात्र। और हाँ गाइज, आज से है हमारा न्यू ईयर, नया साल। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज हिंदू। हाँ, और हिंदुओं का मतलब आज से हमारे वो लगते हैं, क्या कहते हैं, चैत्र के नवरात्रों से हमारा नया साल लगता है गाइज। और दरबार वगैरह मैंने सब लगा लिया, माता रानी का भी आपको दिखाऊंगी। सुबह से मैं लगी हूँ तैयारियों में, अब जाके प्रॉपर तैयारी हो रही है अभी। लेकिन पूजा नहीं करी हमने, और पूजा अब करेंगे हम। ये हमारे एजी ओजी बाहर गए थोड़ा सा कहीं काम से, तो मैं सोच रही इतने सोनू का और भाई साहब का लंच लगा देती हूँ, और फिर तसल्ली से माता रानी की पूजा करेंगे। क्योंकि फर्स्ट डे गाइज बहुत टाइम लग जाता है दरबार लगाने में। माता रानी को स्नान कराया, न्यू ड्रेस पहनाई, बहुत सुंदर लग रही है माता रानी, टचपुट नजर ना लगे। हाँ, पहले मैं नज़र का काला टीका लगाऊंगी माता रानी को, फिर आपको दिखाऊंगी, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। और गाइज बस हर्षित भी उठ गया है, इसको भी उठा दिया था, और अभी बज रहे हैं 10:30। टाइम तो हो गया, क्योंकि पहले दिन बहुत टाइम लग जाता है सारी तैयारी करने में, फिर नहीं लगता है रोज ना। फिर तो ये है कि नहा दो और फिर पूजा कर लो, बस इतना ही होता है, लेकिन पहले दिन लगता है टाइम, तो कोई बात नहीं। और अभी मैं दिखाती हूँ माता रानी को। माता रानी आपको कैसी लगी और ड्रेस कैसी लगी? गाइज ये बहुत सुंदर ड्रेस लग रही है माता रानी की, रेड रेड। वैसे मैरून है, इसमें रेड कलर आ रहा है। बाबा भी हमारे यहाँ बैठ गए हैं, और सियाराम जी, और बस दरबार लग गया है और सारी प्रॉपर सफाइयाँ वगैरह सब हो गई हैं। और अभी सोच रही मैं लंच लगा देती हूँ। आज हमारी तैयारी हो रही है पूजा की, और ये रख दी हमने कुर्सी। भाई मेरी सच्चा ज्योता वाली माता तुम्हारी सदा ही जय, जयकारा शेरावली का, बोल साचे दरबार की जय, बोल जयकारा वैष्णो माता का, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा ज्वाला माई का, बोल। तो गाइस पूजा वगैरह कर ली और चाय वगैरह पी ली हमने, और अब जा रहे हैं बाजार से सामान लाने, क्योंकि हमारे हर्षित बाबूजी ने व्रत रखा है, तो इनको वेफर्स वगैरह चाहिए, है ना? और क्या, तो ही व्रत इनका संपूर्ण हो पाएगा। तो कोई बात नहीं गाइस, बच्चे अगर व्रत रखते हैं तो रखने देने चाहिए, चाहे वो खा पी कर रखें, लेकिन अपनी परंपरा अपनी। तो गाइस कोई नहीं, बच्चे अगर व्रत रख रहे हैं तो रखने देना चाहिए, हमें अपने बच्चों को परंपरा संस्कृति कैसे बताएंगे, है ना? हम कहेंगे नहीं रखे जा रहे तो रहने दो, कोई बात नहीं, अगर खा पी के भी रख रहे हैं तो रखने देना चाहिए, है ना जी? तो बच्चों को आगे कैसे पता चलेगी ना अपनी पूजा पाठ अपनी संस्कृति। तो अभी चलते हम मार्केट सामान लाने, चलते हैं अभी, जो भी लाना है। जय माता दी, जय माता दी।
पास अब दही रह गई है, दही लेते हैं फिर चलते हैं घर। चलो भाई बेटा दे आके दही लेते हैं और बस चलते हैं घर। तो गाइस बस सारा सामान ले लिया है और अब घर चल रहे हैं हम। तो गाइस सब्जियां लाई थी मैंने, यहाँ धो के रख दिए और इनके लिए बना रही हूँ आलू, क्योंकि इनका पेट नहीं भरता फ्रूट से या किसी से भी, तो आलू भून दूंगी नमक वाले, देखते हैं उबले नहीं उबले हमारे आलू। अभी तो यहाँ आलू उबल गए हैं और इन्हें ठंडा कर लेती हूँ, छील के फिर भूनूंगी। और हर्षित भाई देखो तीन तरह के चिप्स खा चुका है बट इसका पेट ही नहीं भर रहा अभी तक, अब क्या खाएगा। आलू आलू भून रही हो, आलू खा लिए है ना, खाएगा खा ली थोड़े से है ना, उसी से पेट भरेगा या दूध ले ले। वैसे भी पहले दिन ना भूख लगती है, हमें भी ना दूसरे तीसरे नवरात्रि को जाके हैबिट होती है कि हमारा व्रत है और हमें कुछ नहीं खाना। आज मुझे भी जबरदस्त भूख लग रही है क्योंकि हमारा रूटीन होता है ना कि हमें इस टाइम खाना है, इस टाइम नाश्ता करना है, तो वही हमारा शरीर मांगता है वो, तो बच्चे की गलती नहीं है इसमें। भूख तो लग रही है, मुझे भी बहुत तेज लग रही है ना, जैसे जी सा घबरा रहा है। और कल अपने रूटीन पे आ जाएगा कि हाँ कि इतना ही मिलना है शरीर को, हैबिट हो जाती है। और गए आज सबका व्रत है, दीदी का, निम्रा दीदी का, मेरा, हर्षित का और इनका, बस भाई साहब और सोनू का नहीं है बस। हाँ ये दो चलते, वैसे सोनू हर बार रखता था, अब की नहीं रखी उसने ना। तो गए आलू मैंने मैश कर लिए और अब बना ली फटाफट से जीरे वाले आलू, और मैं नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि एक बार नमक खा चुकी। जा रहा ट्यूशन और मैं अब सोऊंगी थोड़ी देर, ठीक है। आइए हमने चाय, अब चाय पी रहे हैं और बज गए 7:15। रात कर ली है और अब करते हैं खाने की तैयारी, और आलू वगैरह उबाल लिए मैंने, आलू उबाल दिए हैं मैंने और टमाटर काट लिए हैं, बनाऊंगी आलू के पराठे, कुट्टू के पराठे, और चटनी तैयार है हमारी और रायता भी रेडी है, पर जल्दी से बनाती हूँ। तो गाय जो बना रही हूँ मैं सब्जी और आलू की सब्जी बना रही हूँ सही वाली, तो गाय सब्जी छोक दिया और अब भूनती हूँ आटा पूरी उसके लिए, परांठों के लिए। और हर्षित को लगी बहुत तेज से भूख और जी घबरा रहा है, बच्चों को हैबिट नहीं होती ना ये है। हम लोग तो फिर महीने में एक दो व्रत रख लेते हैं। मैं तानी को भूख लगा दिया है और फिर हर्षी को भी दे दिया अब खाना, और मैंने बनाए परौंठे कुट्टू के, अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट भी बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं और कम ऑयल से बनते हैं, नॉन स्टिक है ना, तो खा ले भाई। और इसको तो ना जी घबराने लगा था इसका, तो खा ले खा ले। इसमें ना बेटा चटनी का पानी आ रहा है, भूख लगा दिया तो इसी में रख ही रहने दे है ना, पानी मतलब ये चटनी ना पानी छोड़ दिया चटनी ने। हर्षित को और दीदी को खाना खिला दिया है और ये आएंगे तब मैं फिर बनाऊंगी अपना और इनका, क्योंकि मैंने आलू की पिट्ठी अलग से ही रख दिया और सोनू के और भाई सब के छोंक दिए हैं मटर का पुलाव, ये बन जाएगा हाथों हाथ ही बस। हर्षित और दीदी खा चुके हैं क्योंकि हर्षित को बहुत तेज भूख लग रही थी, अब थोड़ी सी इसको शांति से हुई है बेचारे को, है ना हर्षो, है मजा आ गया। बच्चे रखते नहीं ना बताते गए, बच्चों की आदत होती है पूरे दिन मुँह में हाथ खाना पीना, तो ये लेकिन थोड़ा सा सिखाना चाहिए हमें बच्चों को भी कि ना अपनी व्रत अपने त्योहार सब चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए और आनी चाहिए। तो गाइस अभी बज रही हूँ 12:15 और मैंने एडिटिंग शुरू कर दी एक घंटे पहले से, एक घंटे से मैं एडिटिंग कर रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग गया। और गाइस काम वगैरह सब हो ही गया है और आज सोऊंगी माता रानी के पास भारी, क्योंकि पंखा कम स्पीड चलेगा, हर्षित के पापा को आदत है फुल स्पीड में पंखे में सोने के, तो इसलिए आज मैं बाहर सोऊंगी और ये लोग अंदर सोएंगे। तो बस अभी ये लोग मूवी देख रहे हैं और मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी। और गाइस आज का दिन बहुत मस्त रहा,
और सबने व्रत रखा, हर्षित ने, मैंने, दीदी ने, इन्होंने। और गाइज हमें अपने बच्चों को प्रॉपर अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए, और उनको बताने से काम नहीं चलेगा गाइज, उनको मतलब प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। रखो व्रत, कोई बात नहीं, 4 बार खा रहे तो खा लो, लेकिन व्रत रखो। तो कैसे मतलब हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी गाइज, यही है ना कि हम बताएंगे नहीं तो हम सोचेंगे बच्चों से नहीं रखा जाएगा। हम भी तो रखते थे गाइज बचपन में, हमारी मम्मी भी रखवाती थी, तो इसलिए हमें भी आदत है। तो अपने चीज़ों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए बच्चों को, कल्चर के बारे में। और तो गाइज बस माता रानी की कृपा से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, और रोज़ ही अच्छा गुजरे दिन। तो बस इसके साथ हमने वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, और कमेंट्स करके बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, टेक केयर, गुड नाइट, और जय माता दी, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। देखो बाहर से भागा हुआ है। बाय बाय बाय।